नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 नवंबर 2019 और स्वागत है आपका पहली बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? दिल्ली असेंबली में 10th कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट के इनाग्रल सेशन को एड्रेस किया गया हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। हम बात करें कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट की, ये देखो एक एनुअल गैदरिंग होती है जिसे होस्ट किया जाता है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के द्वारा। मैं फिर से बोलता हूँ, कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट एक एनुअल गैदरिंग होती है जिसे होस्ट किया जाता है हर एक साल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के द्वारा। इस एसोसिएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले इसी को हम डिस्कस करते हैं कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो ये पार्लियामेंट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के 18 साल से लेके 29 साल तक के बीच जो यूथ होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आती हैं ताकि वो डेमोक्रेसी और गवर्नेंस से संबंधित इश्यूज को डिस्कस करें, उन्हें पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगे, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, कैसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया जाता है, पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखो ये जो कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट है ना, ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 9 रीजन्स में रोटेट होती रहती है। कहने का मतलब ये है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने 9 रीजन्स बनाए हुए हैं, जैसे अफ्रीका एक रीजन, एशिया एक रीजन, ऑस्ट्रेलिया एक रीजन, इस प्रकार से 9 रीजन्स हैं और 9 रीजन्स में ये पार्लियामेंट रोटेट होती रहती है। यानी इस साल अफ्रीका में कंडक्ट हुई ये पार्लियामेंट, तो अगले साल एशिया में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के बारे में जिसके द्वारा हर एक साल ये एनुअल पार्लियामेंट होस्ट की जाती है। इसको देखो इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में एज ए एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, मतलब पुराना जो नाम था इस एसोसिएशन का वो एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। क्या काम है इस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का? देखो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कंट्रीज के पार्लियामेंट्रियंस हैं यानी सांसद हैं, उनके बीच में आइडियाज़ का आदान प्रदान हो, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो, रेगुलर कंसल्टेशन होती रहे ताकि एक देश की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडोप्ट किया जा सके दूसरे देश की पार्लियामेंट के द्वारा। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश की गई थी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। 180 टोटल ब्रांचेज हैं इस एसोसिएशन की और 9 रीजन्स में डिवाइडेड हैं ये ब्रांचेज। कौन कौन से 9 रीजन्स में डिवाइडेड हैं ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइज कर लेते हैं। पहले देखो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता था। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 53 देश यानी 53 कंट्रीज मेंबर हैं इस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के। वो कंट्रीज जो पहले कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, सिंपल भाषा में कहें तो ब्रिटिशर्स ने जिन देशों को पहले अपना गुलाम बनाया था, अपनी कॉलोनी बनाया था, वो कंट्रीज मेंबर हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन मोजाम्बिक और रवांडा ये 2 देश ऐसे हैं जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं थे, यानी ब्रिटिशर्स ने इनको अपनी कॉलोनी नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी ये कंट्रीज मेंबर हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के। इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था 1949 में। देखो हुआ क्या था, 1940s में, 47 में, 48 में, 49 में ब्रिटिश एम्पायर के हाथ से ये सारे देश निकल गए थे, यानी सबने अपने अपने तरीके से आज़ादी हासिल कर ली थी। इंडिया ने आज़ादी हासिल करी 1947 में, तो उसमें ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि देखो ये देश आज़ाद तो हो गए लेकिन इन देशों के साथ किसी न किसी प्रकार से टाइज मेंटेन करके रखे जाएं ताकि ब्रिटिश एम्पायर की जो इज्जत पहले थी उस इज्जत को मेंटेन किया जा सके। तो इन इंटेंशंस के साथ ब्रिटिशर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टैब्लिश किया था। और इंडिया जैसे देश शामिल क्यों हुए इस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके मन में ये आया होगा, क्योंकि देखो इंडिया जैसे देशों को ये लगता था कि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, अगर ब्रिटिशर्स के साथ टाइज मेंटेन करेंगे तो ब्रिटिशर्स का जो अनुभव है वर्ल्ड रिलेशंस में उस अनुभव का हमें फायदा होगा। ये किसी प्रकार का ट्रेड ब्लॉक नहीं है जैसे सार्क है, नाफ्टा है, ये तो ट्रेड ब्लॉक्स हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस किसी प्रकार का ट्रेड ब्लॉक नहीं है। डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड पीस, इन सब चीजों को प्रमोट करता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन।
और देखो कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपस में एक दूसरे को फॉरेन कंट्रीज नहीं मानते। इंडिया की ब्रिटेन में एम्बेसी नहीं है, हाई कमीशन है। उसी प्रकार से ब्रिटेन का इंडिया में एम्बेसी नहीं है, हाई कमीशन है। इंडिया पाकिस्तान दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, इसीलिए पाकिस्तान में हमारी एम्बेसी नहीं है, हाई कमीशन है। और पाकिस्तान का इंडिया में एम्बेसी नहीं है, हाई कमीशन है। क्यों? क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपस में एक दूसरे को फॉरेन कंट्रीज नहीं मानते। और देखो मान लीजिए इक्वेडोर में इंडिया की एम्बेसी नहीं है और वहां पे ब्रिटेन की एम्बेसी है, तो इंडिया ब्रिटेन की एम्बेसी से सहायता मांग सकता है कॉन्सुलर सर्विसेज के लिए। तो ये भी फायदा है कॉमनवेल्थ कंट्रीज का आपस में। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अटापका बर्ड सेंचुरी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि इस बार अटापका बर्ड सेंचुरी जो कि कुलेरू लेक में है, माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, खास करके बर्ड्स की दो माइग्रेटरी स्पीसीज ग्रे पेलिकन्स और पेंटेड स्टोक्स। संख्या भी दी हुई है कितने ग्रे पेलिकन्स और कितने पेंटेड स्टोक्स ब्रीडिंग के लिए आए हैं। देखो ये जो अटापका बर्ड सेंचुरी है ना, इसके आसपास एक आर्टिफिशियल पोंड है, यानी कृत्रिम रूप से डेवलप किया गया एक तालाब है और आसपास वेजिटेशन कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से ये एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है पक्षियों के अंडे देने के लिए। इस वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ग्रे पेलिकन और पेंटेड स्टोक ये दोनों IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। हम और ज़्यादा डिस्कस करें कुलेरू लेक के बारे में, जहाँ पर ये अटापका बर्ड सेंचुरी है। चिल्का लेक देखो उड़ीसा में है और कुलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये देखो ये यहाँ पे लाइन है और ये पुलिकट लेक है। ज़्यादा एरिया वैसे पुलिकट लेक का आंध्र प्रदेश में ही है। एक एस्टिमेट के अनुसार ऑलमोस्ट 96% के आसपास एरिया आंध्र प्रदेश में है इस लेक का, और बाकी बचा हुआ एरिया तमिलनाडु में है। दो रिवर से पानी मिलता है इस पुलिकट लेक को, एक रानी रिवर और एक बकिंगम कैनल, जो श्री हरिकोटा जगह है जहाँ से इसरो के द्वारा सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, वो इसी पुलिकट लेक के पास है। खैर हमारा तो इस आर्टिकल में जो फोकस था वो कुलेरू लेक के लेक पे था, ना कि पुलिकट लेक पे। कुलेरू लेक की बात करें, ये दो रिवर्स के डेल्टास के बीच हैं, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर। इन दोनों ये दोनों रिवर्स जो डेल्टास बनाती हैं उनके बीच में है कुलेरू लेक। यहां पर देखो ऊपर की साइड, एक बार इसे हम इरेज कर देते हैं। ये बीच में जो लेक है ये है कुलेरू लेक। वैसे UPSC ऑर्डर में लगवा सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है इस प्रकार से कि नॉर्थ टू साउथ लगाइए इन तीन लेक्स को, तो ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए कि सबसे नॉर्थ में कौन सी लेक है और बीच में कौन सी लेक है, सबसे लास्ट में कौन सी लेक है। ये फैक्ट देखो इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन UPSC ने पहले पूछे हैं कि कुलेरू जो लेक है क्या वो कृष्णा और गोदावरी रिवर डेल्टा के बीच में है आंध्र प्रदेश में। जी हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेक देखो इन दोनों रिवर्स के बीच एक अच्छे रिजर्वर का काम करती है और फ्लड प्रिवेंट होती है इस लेक की सहायता से, कुलेरू लेक की सहायता से। ये इंपॉर्टेंट हैबिटेट है ऑलमोस्ट 20 मिलियन रेजिडेंट्स और माइग्रेटरी बर्ड्स का, जैसे ग्रे और स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन्स। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई किया गया था 1999 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया था 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत। अब ये स्क्रीन पर आपके सामने मैप है रामसर साइट्स का। मैं आपसे दो तीन पूछ कर देखता हूँ, पता लग जाएगा कितना आपको याद है। अब मुझे ये बताइए भोज वेटलैंड कहाँ पर है, भोज वेटलैंड कहाँ पर है। ऑप्शंस देने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही सोच के देखिए भोज वेटलैंड के बारे में आपने सुना हो कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में है, ये देखो बीच में। और अब मुझे ये बताइए चंद्रताल वेटलैंड कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं। परसों मैंने आपको ये बोला था कि टाइगर रिजर्व्स पर एक बार आप नज़र डाल लीजिए, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ये बताना है
अरुणाचल प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है? ओरंग, कामलंग और कोरबेट। कोरबेट तो आप बता ही दोगे, ये उत्तराखंड में है। ओरंग बताइए कहाँ पर है? ओरंग है ये असम में। तो बीच में एक ही बच जाता है, कामलंग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फ्लोर टेस्ट के बारे में है। कंटेस्ट आपको पता है, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगले दिन 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट किया जाए। फ्लोर टेस्ट क्या होता है और क्यों कंडक्ट किया जाता है? फ्लोर टेस्ट देखो इसलिए कंडक्ट किया जाता है ये पता लगाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जिस पर्सन को प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंट किया गया है या फिर गवर्नर के द्वारा जिस पर्सन को सीएम की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है वो हाउस में मेजोरिटी एंजॉय कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। देखो इलेक्शन का नतीजा आता है और नतीजों के आधार पर किसी पार्टी का नेता जिसके पास मेजोरिटी है या फिर उस गठबंधन का नेता जिसके पास मेजोरिटी आई है वो गवर्नर को समर्थन पत्र सौंपते हैं कि हमारे पास इन इन एमएलएस का समर्थन है और हम सरकार बनाने में सक्षम हैं। तो वेरीफाई करके गवर्नर के द्वारा उस अलायंस के नेता को या फिर मेजोरिटी वाले पार्टी के नेता को सीएम के पद पर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो पीएम के पद पर अपॉइंट कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखो सीएम पद की या फिर पीएम पद की शपथ होती है और जब पहला सेशन ऑर्गेनाइज होता है उसमें ये टेस्ट कंडक्ट होता है जिसे कहा जाता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट से पता लगता है कि गवर्नर के द्वारा जो सीएम अपॉइंट किया गया है वो हाउस में मेजोरिटी को एंजॉय कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, मतलब आधे से अधिक एमएलए उनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर देखो सीएम फ्लोर टेस्ट में हार जाते हैं तो उनको अपने पोस्ट से इस्तीफा देना होगा। सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए ना, अभी देखो एनसीपी प्लस कांग्रेस प्लस शिवसेना, इन तीनों पार्टीज ने महाराष्ट्र की विधानसभा में अपना नेता चुना उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे इन तीनों पार्टीज के एमएलए का समर्थन पत्र लेके गए महाराष्ट्र के गवर्नर के पास और जाके बोला कि देखो मेरे पास मेजोरिटी एमएलए का समर्थन हासिल है इसलिए आप मुझे सीएम बना दीजिए। तो गवर्नर उद्धव ठाकरे को शपथ दिलवाते हैं सीएम के पोस्ट की। उसके बाद क्या होगा? पहला जब सेशन ऑर्गेनाइज होगा उसमें फ्लोर टेस्ट कंडक्ट होगा ये पता लगाने के लिए क्या वास्तव में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के विधानसभा में मेजोरिटी को एंजॉय कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और उसी टेस्ट को कहा जाता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट देखो वॉइस वोट की सहायता से भी कंडक्ट हो सकता है और वोट्स को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कौन ऑर्डर देता है लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को कन्वीन करने के लिए? देखो संविधान के हिसाब से गवर्नर आदेश देते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन है उसे कन्वीन किया जाए, कंडक्ट किया जाए, लेकिन काफ़ी बार ऐसे मौके आए जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को कन्वीन किया जाए और फ्लोर टेस्ट कंडक्ट किया जाए। जैसे इसी महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामा में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि अगले दिन 5 बजे से पहले पहले फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट किया जाए। तो वकील इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, मुकुल रोहतगी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, संविधान में सिर्फ गवर्नर को पावर दी गई है ये आदेश देने की कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन है उसे कन्वीन किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा देखो ये पहली बार नहीं होगा कि हम आदेश दे रहे हैं फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करने का, इससे पहले भी काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का ऑर्डर पास किया जा चुका है। जैसे देखो कर्नाटक में पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को कन्वीन कीजिए और फ्लोर टेस्ट कंडक्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन फ्लोर टेस्ट से संबंधित देखो ये है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान प्रोसीडिंग्स किसके द्वारा कंडक्ट की जाती हैं? वैसे तो देखो स्पीकर के द्वारा प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया जाता है फ्लोर टेस्ट के दौरान, लेकिन जब स्पेशल सर्कमस्टांसिस आ जाती हैं तो ऐसा भी होता है कि जैसे ही फ्लोर टेस्ट कंडक्ट हो उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन किया जाए। और फिर आपके मन में आया होगा
कि फ्लोर टेस्ट के बाद स्पीकर को चुना जाएगा, तो फ्लोर टेस्ट के दौरान कौन होगा, कौन प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करेगा? तो देखो, इस सिचुएशन के लिए काफ़ी बार गवर्नर के द्वारा किसी MLA को प्रोटम स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है फ्लोर टेस्ट की प्रोसीडिंग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखो, यूजली जब कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं क्रिएट होता, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी हासिल हो गई, तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले तो गवर्नर किसी MLA को प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करते हैं। आमतौर पे सबसे सीनियर MLA को, या फिर लोकसभा की बात करें तो सबसे सीनियर MP को प्रोटम स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अगर विधानसभा है तो गवर्नर के द्वारा, और लोकसभा है तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रोटम स्पीकर का काम क्या होता है? प्रोटम स्पीकर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो बाकी मेंबर्स को शपथ दिलवाते हैं। और प्रोटम स्पीकर को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? अगर विधानसभा है तो गवर्नर के द्वारा, और लोकसभा है तो राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद प्रोटम स्पीकर बाकी मेंबर्स को शपथ दिलवाते हैं, और उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है। और देखो, यूजुअल कंडीशंस में क्या होता है, जो स्पीकर चुन लिए जाते हैं उसके बाद फ्लोर टेस्ट कंडक्ट होता है, और स्पीकर ही प्रोसीडिंग्स को प्रिजाइड करते हैं। लेकिन जब अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करो, तो उस सिचुएशन में प्रोटम स्पीकर के द्वारा ही, गवर्नर के द्वारा अगर किसी मेंबर को प्रोटम स्पीकर अपॉइंट किया गया है, उनके द्वारा ही फ्लोर टेस्ट की प्रोसीडिंग्स को एडमिनिस्टर कर लिया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलीडेक्टली के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? पहले हम जानते हैं पॉलीडेक्टली के बारे में, उसके बाद कंटेस्ट की बात करेंगे। देखो, पॉलीडेक्टली में होता क्या है, हाथों में या फिर पैरों में जो फिंगर्स की संख्या है, उंगलियों की संख्या है, वो ज़्यादा होती है। 10 के बजाय 12 या फिर उससे भी अधिक हो सकती हैं हाथों या फिर पैरों में उंगलियों की संख्या। ये एक बर्थ डिफेक्ट है, मतलब जन्म से ही ऐसा होता है, और आमतौर पर 1000 में से 1 या 2 बच्चों को ये पॉलीडेक्टली होता है। नॉर्मल से अधिक उंगलियां उनमें होती हैं। कब ये होता है? देखो, ये जो डिफेक्ट है ये प्रेगनेंसी के 6th या फिर 7th वीक में आ जाता है। उस समय उंगलियां अलग होती हैं हाथ से या फिर पैर से, तो एक एक्स्ट्रा डिजिट आ जाती है और 10 से ज़्यादा उंगलियां बॉडी में आ जाती हैं। अगर रीजंस की बात करें, रीजंस देखो जेनेटिक भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में रीजंस वंशानुगत भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे होती हैं? या तो देखो, जो एक्स्ट्रा उंगलियां आ गई हैं उनको सर्जिकली रिमूव किया जाए। प्रोसीजर देखो डिफ़िकल्ट तब हो जाता है जब एक्स्ट्रा उंगली में हड्डी आ जाती है, या फिर किसी प्रकार से 2 उंगलियां आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं, तब सर्जिकली एक्स्ट्रा फिंगर्स को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हमने पॉलीडेक्टली के बारे में डिस्कस किया। कंटेस्ट ये था कि उड़ीसा के एक गांव में 63 ईयर्स ओल्ड वुमन का बहिष्कार किया गया। वो वुमन पॉलीडेक्टली का शिकार थी, मतलब उस वुमन में उंगलियों की संख्या ज़्यादा थी। तो गांव के लोगों के द्वारा बोला गया कि ये जो वुमन है वो एक विच है, मतलब डायन है, तो उस महिला का बहिष्कार कर दिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है, इसे इंडिया और श्रीलंका की मिलिट्री के द्वारा जॉइंटली कंडक्ट किया जाता है। अभी तक 6 बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो चुकी है, और 7वां एडिशन कंडक्ट होगा 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच, कहाँ पर? पुणे में। बाकी तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि क्या क्या फ़ायदा होता है इस प्रकार की एक्सरसाइज से। जब भी किसी एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो ये जो डेकोरेटिव चीज़ें हैं ये तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं कि इससे दोनों देशों की मिलिट्री को सीखने को मिलेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस जानेंगे, ये सब चीज़ें। तो फिलहाल देखो, हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 5 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।